गाइस इस वीडियो के अंदर आज हम लोग को एक कॉइन के बारे में बात करने वाले हो जिस कॉइन का नाम है चेन लिंक। जी हाँ दोस्तों, इस कॉइन का नाम है चेन लिंक, इसको शॉर्ट में बोला जाता है लिंक। इस कॉइन का बारे में पूरे का पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग क्रिप्टो मार्केट में एकदम ही बिगिनर्स है तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कॉइन डीसीएक्स बोल के ऐप होता है या दोस्तों, यानी कॉइन डीसीएक्स एक एक्सचेंज हो गया है क्रिप्टो के लिए। ये क्या करता है, ये हम लोग का तरफ से ये बाई सेल करता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग अकाउंट को ओपन करना है, कैसे अकाउंट ओपन करना है इसके लिए आपका जो मेरा जो रेफरल लिंक है कॉइन डीसीएक्स का, वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप लोग आसानी से इंस्टॉल करके उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद 5 या 10 मिनट के अंदर आप लोग पैन कार्ड ये सब देके केवाईसी फिल आउट कर लीजिए। उसके बाद मनी डिपॉजिट करके आप लोग का ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप लोग को मनी डिपॉजिट करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरा लास्ट वीडियो जो है कॉइन डीसीएक्स में कैसे मैं मनी स्टार्ट किया हूँ वो आप लोग जाके देख सकता है। हालांकि दोस्तों वहां पर मेरा जो मनी ऐड हुआ वो आप लोग को दिखा नहीं था, लेकिन वो एक्चुअल हो जाता है 1-2 घंटे के अंदर ही वो मनी ऐड हो जाता है। लेकिन उसका अलावा 90% आप लोगों ने जो बताया था वहां पर कॉइन डीसीएक्स में पूरा के पूरा डिटेल्स अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली आपका जो आउटपुट होगा वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग चला जाता है यहाँ पर, इसको बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ये जो चेन लिंक है ये बेसिकली क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो चेन लिंक होता है ये क्या करता है, ये बेसिकली हम लोग को आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्लॉक चेन होता है क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉक चेन होता है। अभी आप लोग को अगर नया है आप लोग तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी जो होता है दोस्तों ये एक वर्चुअल एसेट होता है। या दोस्तों ये एक डिजिटल एसेट होता है आप लोग का जो कि इनविजिबल रहता है, मतलब कि आप लोग इसको खुला आँख से नहीं देख सकता है। जैसे कि आप लोग फर्नीचर फिक्चर ये सब जो है बिल्डिंग वगैरह ये सब आप लोग देख सकते हैं तो इसको बोला जाता है विजिबल, ठीक है ना। लेकिन ये जो चीज़ है ये आप लोग का इनविजिबल है, इसको आप लोग खुला आँख से नहीं देख सकते हैं। आप लोग हम लोग क्या करते हैं, इसको एज्यूम करके इसको एक नाम दिया जाता है, मतलब कोई हम लोग के जैसा कोई एक ह्यूमन बींग इसको डिस्कवर्ड किया है वही इसका नाम दिया है, इसका जो है चेन लिंक, यानी इसको शॉर्ट में बोला जाता है लिंक, ठीक है। तो इसका सारे कुछ डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ये जो लिंक है बेसिकली क्या है। देखिए लिंक जो होता है दोस्तों बेसिकली क्या करता है, ब्लॉकचेन आप लोगों को सबसे पहले ये समझने की कोशिश कर रहा था हूँ कि ब्लॉकचेन होता क्या है। ब्लॉकचेन बेसिकली होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का डेली जो परचेज सेल होता है, आप लोग अगर बिजनेस के परस्पेक्टिव से देखें तो परचेज सेल ये सब जो होता है तो इसमें हम लोग का क्या होता है, परचेज सेल हम लोग जब करते हैं तो क्या होता है उसको क्या बोलता है, उसको एक ट्रांजेक्शन बोलता है। तो ये जो ट्रांजेक्शन हम लोग का जो डेली टू डेली बेसिस में होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इसको रिकॉर्ड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो ट्रांजेक्शन होता है इस ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करता है। तो ये जो जहां पर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इसी को बोला जाता है ब्लॉकचेन। यानी ब्लॉकचेन में क्या होता है, यहां पर डिजिटल जितना सारा करेंसी को परचेस सेल किया जाता है वो सारे को सारे रिकॉर्ड करता है ये ब्लॉकचेन। तो बेसिकली ये ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये क्या करता है, ये डेटा को फिट करता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो चेन लिंक है चेन लिंक का जो नाम है, नाम का वर्ड से आप लोगों को पता चल रहा है कि ये जो ये क्या करता है, ये लिंकअप करता है कि ये डेटा को लिंक करता है। यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन का डेटा को ये क्या करता है, ये फिट करता है। तो आप लोग को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि अगर लिंक जैसे लिखूँ तो देखिए यहाँ पर चेन लिंक आ गया। अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 883% अभी डाउन में चल रहा है। इसका आप लोगों को मैं प्राइस प्रेडिक्शन करके बताऊंगा कि कहां पर जा सकते हैं। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करेगा तभी आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा प्राइस में आपको बाय करना है और टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, सेकंड टारगेट क्या रहेगा वो भी बता दूंगा। उसके साथ साथ 2022 में इसका प्राइस कहां पर जा सकता है वो भी बता दूंगा। तो वीडियो होने जा रहा है काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए होने वाला है। ये दोस्तों इन फ्यूचर में बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के अंदर आप लोग धमाकेदार क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड वीडियो मिलने वाला है। अभी मार्केट दोस्तों बहुत ही डंप में है, बहुत ही डाउन में है, आप लोग चाहे तो इस टाइम आप लोग एंट्री ले सकते हैं। कौन से प्राइस में आपको एंट्री लेना है आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो अभी देखिए चेन लिंक में जैसे ही मैं गया हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर चेन लिंक का थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पर दिखाएगा। अभी देखिए इसका जो चेन लिंक का जो करंट जो बाइंग चल रहा है बहुत ही खतरनाक चल रहा है भाई, 83% इसका बाई है। यानी ये जो कॉइन स्विच कूबर ऐप है ये आपको ये हिंट दे देता है, मतलब यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो है आपका कॉइन डीसीएक्स में। पहले ही यहाँ पर कॉइन स्विच में किया था, आप लोग चाहे तो कॉइन स्विच कूबर में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मनी डिपोजिट जैसे करता है जो आप कॉइन डीसीएक्स में बता
साथ बताया हूँ उसी टाइप का यहाँ पर भी करना होता है, लेकिन मैं क्वाइन डिसेक्स में बताया, आप लोग चाहे तो क्वाइन स्विच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं इसको बेसिकली यूज़ करता हूँ कि ये पर कितना परसेंटेज बाई, कितना परसेंट सेल हुआ, ये सब देखने के लिए। ये पर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट किया पर बाई हुआ, 83% बाई हुआ और 17% ऑनली इसका सेल हुआ, क्योंकि अभी मार्केट जो है गाइस बहुत ही डीप में है। इस टाइम बहुत सारा बंदा बंदी एंट्री ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अमाउंट देखिए एंट्री ले रहा है, क्योंकि इसका सभी लोगों को जो जो क्रिप्टो मार्केट में बहुत ही पुराना है और 5-6 महीना अभी हो गया, वो लोग अच्छी तरह से पता हो गया कि जो क्रिप्टो मार्केट होता है, अब लोग को जब ये क्या करेगा, ये जब डाउन में आएगा ना, तो उस टाइम आपको करीब करीब 10-15 दिन या 1 महीने के लिए ये आपको मतलब भुगंती देते देगा, मतलब सफरिंग करेगा ही करेगा, क्योंकि ये आप लोगों का पेशेंस को चेक करता है कि कितना ज़्यादा आपको पेशेंस, कितना ज़्यादा आपको पास पोटेंशियल है सिर्फ और सिर्फ आपका रुपया को यहाँ पर होल्ड करने के लिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा रुपया आपको यहाँ पर होल्ड नहीं करते, यानी जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करिए वो आप लोग यहाँ पर अगर होल्ड नहीं कर रहे, तो भाई आप लोग इस इंडस्ट्री यानी इस फील्ड में टिक नहीं पाएंगे। यानी सोचो सिर्फ ये नहीं, शेयर मार्केट में भी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दोनों फील्ड में आप लोग का पेशेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो चलिए यहाँ पर आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है बेसिकली क्या करता है, ये यूजेज इट्स टेक्नोलॉजी इन ब्लॉकचेन्स एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्सेस डेटा फीड्स वेब एपीआईस एंड ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट पेमेंट्स टू मिमिक रियल वर्ल्ड एग्रीमेंट विच रिक्वायर एक्सटर्नल प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस, यानी बैंक पेमेंट्स डीडी ये सबको ये लिंकअप करता है। और द चेनलिंग नेटवर्क यूटिलाइज द लिंक टोकन, यानी लिंक टोकन जो होता है वो टोकन को ये यूटिलाइज करता है। एंड चेनलिंग नोड ऑपरेटर्स टू रिट्रीव डेटा, यानी डेटा वगैरह जो इसको रिट्रीव करने के लिए ये ऑपरेट करता है, यानी चेनलिंग नोड ऑपरेट्स यानी चेनलिंग का ये जो नो इसका जो नोड है ये क्या करता है, डेटा को रिट्रीव करता है और इसको कंप्यूट करता है, इतना कितना वॉल्यूम हुआ है, कितना कुछ हुआ है, यानी कैलकुलेट वगैरह ये सब करता है, कितना सेल कितना परचेस ये सब हुआ, इतना ये क्या करता है, ये सब ये कैलकुलेट करता है। अब फॉर्मेट इट इसको फॉर्मेट करता है एंड गारंटीड पेमेंट फ्रॉम ऑपचेन डेटा फीड, यानी ऑपचेन डेटा फीड से पेमेंट को गारंटी गारंटी देता है, मतलब पेमेंट को गारंटी करता है, यानी पेमेंट पेमेंट के ऊपर ये फोकस करता है, पेमेंट के ऊपर ये काम करता है। ठीक है, तो ये लिंक को आपको समझा दिया है, अभी चलते हैं आप लोग CoinDesix में चलते हैं, वहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत आप लोग इसका जो ये है, क्योंकि कॉइन मार्केट में भी देखा सकते हो वहाँ पर जो आपका जो ट्रेडिंग भी है वो भी अच्छा खासा है, लेकिन यहाँ पर जो CoinDesix वाला है इसका भी प्रेडिक्शन लेवल भी, मतलब ये जो चार्ट पैटर्न है ये भी काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, इसीलिए आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप लोग चाहे तो यहाँ पर भी देख के एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैं जो इस्तेमाल करता हूँ ये वाला जो एक्सचेंज इस्तेमाल करता हूँ, इसको सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ और लिंक बोल के सिर्फ लिखता हूँ, इसका जो शॉर्टकट है वो लिंक है। अभी इसका जो करेंट स्पॉट प्राइस चल रहा है, अभी जो इसको ये जो प्राइस इसको बोला जाता है ट्रेडिंग लैंग्वेज में बोला जाता है इसको स्पॉट प्राइस 879 इसका रुपया भी चल रहा है। तो प्राइस व्यू चार्ट प्राइस में चला जाता हूँ मैं, और देखिए अभी एक दिन का अंदर ये -35.83 रुपीज डाउन में गया है। अगर मैं कैंडल स्टिक में जाऊँ यहाँ पर क्लिक करूँ सिंपली, तो देखिए ऐसे ही कुछ इसका मूवमेंट दिखाता है। तो सिंपली इसको आपको क्या कर लेना है, इसको सिंपली आपको इधर से मूवमेंट कर लेना है, आपको ऐसा करके कर लेना है, ठीक है ना। तो अभी देखिए इसका जो एक डे का अंदर, 1 डे का अंदर इसका ऑल टाइम हाई बनाया था ये 925.89, ये ऑल टाइम हाई बनाया था, लो बनाया था 880। जी हाँ दोस्तों 880 लो बनाया था, ठीक है। तो ये जो है लो है जो ये दोस्तों यहाँ पे आया है लो, ठीक है, एकदम डाउन में अभी जो लो चल रहा है, ऑल टाइम लो चल रहा है और हाई बना दिया था एकदम, मतलब जो इसमें एंट्री लिया था तो उसका काफ़ी लॉस में, क्योंकि अभी जो थोड़ा बहुत हाई में जो बाई किया था उसका अभी मतलब वो लोगों का भी लॉस में चल रहा है। तो इसीलिए बोलूँगा वो लोगों को पैनिक सेलिंग नहीं करना है। अब लोग बहुत सारे सोच रहे हैं कि भाई तो इसका मार्केट और भी हो सकता है कि डाउन जाएगा, तो जैसे डाउन जाता है तो आप लोग को दोस्तों उसको अगर आप लोग पास मनी ज़्यादा है तो डेफिनेटली है कि आप लोग को दोस्तों जितना डीप में जा रहा है उतना डीप में आपको परचेस करके आपका जो बाइंग प्राइस है उसको एवरेजिंग कर देना। जी हाँ दोस्तों ये ट्रेडिंग का एक स्ट्रेटजी होता है, अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है तो, अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है तो जो प्राइस में आप लोग बाई किए थे उसी को होल्ड करके पेशेंस करके रखिए, अभी फंड को विदड्रॉ मत करिए, क्योंकि लॉस में करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा भाई, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको बोलूंगा अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को बोलूंगा आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 880, हो सकता है कि अभी जो वीडियो बना रहा है 880 चल रहा है, हो सकता है कि जब वीडियो रिलीज करूँ उसके बाद देखो देखा जाए तो हो सकता है कि 885 हो जाए, हो सकता है कि भाई ये 870 और 865 भी हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई इसको आपको बाइक का लेवल जो रहेगा वो रहेगा 870 से लेके 885 के बीच में इसका आपको बाइंग प्राइस डेफिनेटली फर्स्ट टारगेट वाला बाइंग प्राइस रहेगा। और सेकंड टारगेट अगर ये अगर देखेगा
है, अब अगर ये ऑफ हो गया, 890 तक चला गया, जब आप वीडियो देखेंगे 890 तक चला गया, तो आपको मैं बताऊंगा कि इसको आपको बाई करना है 890 से लेकर 900 के अंदर ही इसको आपको बाई करना है। और फर्स्ट टारगेट जो रहेगा सेल करने के लिए वो रहेगा आपका दोस्तों 910 से लेके 920 का बीच में आपको फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा 921 से लेके 940 का बीच में आपका ये सेकंड टारगेट रहेगा सेल करने के लिए, ठीक है ना। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यानी ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन का नहीं दोस्तों, आप चाहे तो इसको 7 दिन का हिसाब से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को जो लग रहा है भाई 7 दिन के अंदर ये ज्यादा खास मूवमेंट होने वाला नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट अभी काफी डाउन में है, इसका ज्यादा कुछ मूवमेंट होने वाला नहीं है। लगभग इसका अगर अच्छी खासा मूवमेंट होने में 1 से 1.5 महीना लग जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको मैं बोलूंगा, आप चाहे तो ज्यादा से ज्यादा अगर कैपिटल आपके पास है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके इसको एवरेजिंग कीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो इसी हिसाब से कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, आपका लॉस में सेल करेंगे तो डेफिनेटली आपका दिक्कत आएगा। तो ये आपका सिर्फ से मैं 7 डे का बात किया, अगर 1 मंथ के हिसाब से करेगा तो उसका लिए थोड़ा बहुत अलग है। उसके लिए क्या है कि उसके लिए तो आपको मैं जो बाइंग का प्राइस बोला हूँ वो तो एकदम सही है, 880 से लेके 900 के बीच में आपको एंट्री लेना है और एग्जिट कब लेना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1 मंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको आपको जो एग्जिट लेना है भाई, 1 मंथ के हिसाब से आपको एग्जिट लेना पड़ेगा 1000 नहीं, यहाँ पर देखिए 1 मंथ के हिसाब से ऑल टाइम हाई बनाया था 1418, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि 1418 तक जाएगा। मेरे को जो लग रहा है ये को जाएगा 1200 करीब ये जा सकता है, ठीक है ना। अभी 880 चल रहा है तो 1200 मैक्स टू मैक्स जा सकता है ये। तो अभी आपको मैं बोलूंगा कि फर्स्ट टारगेट अगर 1 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट आपको होना चाहिए, वो होना चाहिए 1150 फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 1180 से लेके 1200 तक। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग 3 मंथ के बेसिस में देखेंगे, 3 मंथ के बेसिस में ये 1 मंथ वाला जो है, 1 मंथ वाला आपका 3 मंथ के बेसिस में, यानी 3 मंथ के बेसिस में अगर दिखा जाए, अगर 3 मंथ के बेसिस में फोकस कर रहे हैं तो मैं आप लोग को बोलूंगा कि ये जो प्राइस है जा सकते हैं 1400 तक, और मैक्स टू मैक्स 1500। मेरे को नहीं लग रहा यार 1500 से जा सकता है, 1400 तो मैक्सिमम गारंटी है जा ही सकता है, अगर नसीब अच्छा है तो 1500 और उसको भी क्रॉस कर सकता है, लेकिन मेरे को जो लग रहा है मैक्स टू मैक्स 1400 तक जा सकता है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट टारगेट जो रखना है वो है कि 1320 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट आपका भाई जो रहेगा वो रहेगा 1370 से लेके 1400 तक आपका ये जो रहेगा सेकंड टारगेट, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप लोग को मैं बता दिया, बाइंग प्राइस जो रहेगा उसको आपको एवरेजिंग करने के लिए आपको मैं बता दिया था, अगर आप लोग पहले से बाई करके रखा है तो आपको एवरेजिंग करने के लिए अभी आपको डीप में बाई करना है कभी आप, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो काफी डाउन में है, ज्यादा से ज्यादा कॉइन का प्राइस अभी पूरा का पूरा डाउन में चला गया, इसीलिए अभी मौका है आप लोग को एंट्री लेने का। अगर आप लोग 1 ईयर का हिसाब से भाई देखें तो 1 ईयर का हिसाब से ऑल टाइम इसका लो बनाया था भाई, देखिए अभी 880 है, उसका ऑल टाइम लो बनाया था और ऑल टाइम इसका हाई काफ़ी अच्छा बनाया था भाई, ये 4150, मतलब ये जो चेन लिंक है ये भाई काफ़ी डिमांडेड कॉइन है भाई, इसको आपको लेना तो चाहिए ही चाहिए आपका, यानी आपका जो पोर्टफोलियो है वहाँ पर इसको आपको मतलब एड ऑन करना ही करना है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए आपको मैं बता दिया। अभी इसका जो स्पॉट प्राइस चल रहा है भाई ऑल मतलब 1 ईयर का ऑल टाइम लो चल रहा है इसके, मतलब इससे डाउन तो मतलब क्या बोले आपको, मतलब अगर इससे डाउन हो, जितना इससे डाउन हो आप मतलब टपट टप टपट टप खरीद ले, मतलब बाद में इसको मौका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना भाई, अभी से इसको खरीद कर रख दो, इन फ्यूचर में आपको 30%, 40%, 50%, 100%, 200% तक आपको यहाँ पर रिटर्न मिलने वाला है दोस्तों। या दोस्तों अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे तो इसको आपको इससे आपको अच्छी खासा प्रॉफिट मिलने वाला है, देखने को मिलेगा दोस्तों। तो पेशेंस इसको होल्ड करके रखना, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए है। तो अगर आपको मैं 1 ईयर का प्रेडिक्शन देने वाला है, यानी 2022 का एंड में ये कितना तक जा सकते, तो मैं आप लोग को बोलूंगा, ये इंटरेस्टिंग है, ये देखने के लिए बहुत सारे लोग मतलब अभी तक वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आप लोग वीडियो में हैं तो दोस्तों आप लोग बहुत ही मतलब अच्छा व्यूअर्स है मेरे लिए। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि 1 ईयर यानी 2022 का एंड में कितना जा सकता है, ये वीडियो का मेन जो मैटर था, मेन इंटरेस्टिंग फैक्ट यही था। तो ये देखिए 2022 का एंड में मेरे को नहीं लग रहा है भाई कि ये 4000 हिट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी क्रिप्टो मार्केट जो है ना, मेरे को जो लग रहा है इस साल के अंदर
पहले साल पहले 2-3 साल में जितना अच्छा रिटर्न दिया था उतना अच्छा इस साल में नहीं दे सकता, लेकिन दे सकता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं दे सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल में अगर ये 20% रिटर्न दिया तो भाई इस साल में आपको ये 10% से लेकर 15% तक रिटर्न दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम ही रिटर्न नहीं देगा, डेफिनेटली देगा, हर कॉइन आपको रिटर्न देगा लेकिन उतना ज्यादा ROI आपको नहीं मिलने वाला है भाई। ठीक है, तो इसीलिए बोलूंगा इस कॉइन जो है भाई, इस कॉइन इस साल का अंदर मैक्स टू मैक्स यार एंड यानी 2022 का एंड में ये मैक्स टू मैक्स भाई हिट करेगा 3000 तक। आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, 3000 तक ये मैक्स टू मैक्स हिट करेगा। अगर आप लोग यानी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा है, यानी लॉन्ग टर्म का मतलब है कि 5-6, अभी तो क्या कौन सा महीना चल रहा है, अभी अप्रैल महीना चल रहा है ना, तो भाई अप्रैल में जो अभी कितना महीना, अभी ज्यादा से ज्यादा महीना नहीं है, 7-8 महीना है ना एंडिंग होने में, तो ये 7-8 महीने का अंदर ये 3000 डेफिनेटली हिट करेगा। और अगर अब लोग 880 से लेकर 900 के बीच में बाई करके रख दिया और 4-5 महीने या 6-7 महीने तक रख दिया ना भाई, तो ये डेफिनेटली आपको एक मतलब अच्छी खासा प्रॉफिट देने वाला है। और अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, लेकिन दोस्तों आप लोग मैं इस बात को बार बार रिमाइंड करना चाहता हूँ कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं जो बात आपको बता रहा हूँ उसी बात सुन के आप लोग ब्लाइंड की तरह ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट मत कीजिए इस कॉइन के अंदर, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आपको पता है। तो इसीलिए आप लोग को बोलूंगा कभी भी कोई भी कॉइन में इन्वेस्ट करिए तो सबसे पहले आप लोग का इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का सलाह लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं जो बोलूंगा उससे आप लोग इन्वेस्ट मत कीजिए कॉइन के ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि लॉस हो जाए तो आप लोग बोलेंगे कि ये भाई जो बताया गलत बता दिया, क्योंकि आप लोगों को मैं जो बात बताते हूँ वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पर्पज के लिए ही सिर्फ और सिर्फ बताता हूँ, ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे से हेल्प ले सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में मेरे को पिंग कर सकता है, डेफिनेटली आप लोग का सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो तक मिल सकते कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।